सो हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और यहाँ पे हम लोग आज बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्योंकि बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सच में यार बहुत जरूरी होती है, और विदाउट डायग्राम आप कोई भी क्वेश्चन को कर भी नहीं सकते। यहाँ पे डायग्राम का इंपॉर्टेंस दो टाइप से होता है। पहला टाइप ये कि आपको कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके मिडल में आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी और ऐसे आपको आंसर लिखना पड़ता है। और एक तरीका होता है कि सिर्फ डायग्राम पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ डायग्राम ऐसे बनाना पड़ता है। तो ऐसे में 3 मार्क्स को आता है, और ऐसे में पूरे क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स को रहते हैं, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी देना है और आपको यहाँ पे डायग्राम भी बनानी होती है। तो हालांकि आप अगर सिर्फ डायग्राम करते हो तो भी आपका यहाँ पे दोनों जगह फायदा हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसके अंदर भी आपको डायग्राम का हेल्प होता है, और डायग्राम तो है ही है तो इसका भी आपको हेल्प हो जाता है। और डायग्राम के थ्रू अगर कोई बंदा बायोलॉजी को समझे, मतलब डायग्राम को पहले समझने के बाद फिर उसके डिस्क्रिप्टिव आंसर को समझे, तो कसम से कहता हूं उससे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे में तो आपको नीट वगैरह में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नीट है आपका, सीटी होता है फॉर द फार्मेसी, तो हर जगह आपको हेल्प करेगा। मतलब ऐसा कहां नहीं है, मतलब विदाउट डायग्राम यार सिंपल भाषा में कहूं तो बायोलॉजी में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब ट्राई करना हमेशा बोर्ड एग्जाम में भी कि कोई भी आंसर लिखने के टाइम पे वहां पे एक छोटा सा डायग्राम जरूर बना देना, तो आपके आंसर में मक्खन लगाने जैसा हो जाएगा। इसलिए डायग्राम बहुत जरूरी है। और मैं एक बार में सारे चैप्टर का तो नहीं दे सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का ही आपको यहाँ पे पहले बताया है। क्योंकि यहां से तो बहुत ज्यादा डायग्राम्स हैं और इंपॉर्टेंट डायग्राम भी है, आपको बुक उठा के टिक करते जाना है सारी चीजों को, आपको फायदा बहुत होगा। ठीक है गाइस, तो इसके लिए नीट में भी आपको बहुत हेल्प होगी, सीटी में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ये सारी चीजें हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि नीट वगैरह का पेपर जो है वो जुलाई वगैरह में होने वाला है। सिलेबस और एग्जाम डेट तो अभी कुछ फिक्स आई नहीं है, बट हाँ पेपर तो होने वाला है। बहुत सारे लोगों के ऐसे मतलब एस्पिरेशन होते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनने, एमबीबीएस बननी, बहुत सारी चीजें हैं, वो लोग ना कोटा वगैरह में जाके और अफोर्ड नहीं कर पाते पैसा। तो आप लोगों के लिए ना एक चांस है। तो अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखा है यहाँ पे अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आप लोग को बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस आप जीत सकते हो। लाइक अगर आपका मतलब यहाँ पे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी और 1000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर भी, आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। और आप रजिस्टर अभी भी मार सकते हो। इसमें सिर्फ आपको एक छोटी सी टेस्ट देनी होगी। टेस्ट का जो रूल है उसमें 75 मिनट की टेस्ट होगी, ऑनलाइन घर बैठे फोन में आपके मोबाइल से। 28 क्वेश्चंस होंगे, 11, 12, 13 सभी के पेज पर बच्चे दे सकते हैं। 4 सेक्शन रहेंगे, यानी कि बायोलॉजी में यहाँ पे देखो बॉटनी, जूलॉजी और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री। नीट की स्कोरिंग मतलब नीट लाइक पेपर यहाँ पे रहने वाला है, और बहुत ही अल्टरनेट संडेज, मतलब हर संडे को ये पेपर आपका होने वाला है, ठीक है, इतना आपको समझ के रखना है। बहुत सारी एक्साइटिंग प्राइजेस आप लोग जीतने को आपको मौका मिलेगा। 11 बजे सुबह ये टेस्ट रहने वाली है। अभी पहला टेस्ट 10th of January को नीट यूजी वाले सेक्शन में अनअकैडमी के, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे आपको भरने ही नहीं है, मतलब इंग्लिश में रहेगी टेस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें अगर आप जीत गए तो आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और अमेजोन का वाउचर भी, ठीक है, इतना आपको समझ के रखना है। अगर आपने मतलब रैंक 1 से 3 तक लाया तो आपको 1 महीने का पूरा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट के लिए अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। सो दिस इज द सिलेबस फ्रॉम जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 11th के लिए ये है, 12th वाले बच्चों के लिए, 13th के लिए ये है। आप 12th में हो तो आप 12th का ये वाला दोगे, समझा अच्छे से। तो बायोमोलिक्यूल, एनिमल किंगडम, इनहेरिटेंस वेरियंस, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और पी ब्लॉक, सॉलिड स्टेट एल्डिहाइड कीटोन्स, बस इतू सा पढ़ना है। ट्राई मार के देखो यार एक बार, मैं तो यही सजेशन दूंगा, ट्राई मार के देखो। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मामले नहीं है, 5-6 हज़ार का फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल सकती हैं, चांसेस है आपके पास, तो पक्का विन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और तो और रोड मैप टू नीट 2021 इंग्लिश में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली भी क्लास है। तो ये सारे टीचर्स आपको यहाँ पे January 7 को यहाँ पे लेने वाले हैं, January 7 को। तो इसको भी आप लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो, जाओ और अभी भी आप इसको देख सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। मतलब अभी भी जाओ, इस वक्त भी आप इसे पढ़ सकते हो, मतलब रिकॉर्डेड आपको पढ़ा रहेगा, ठीक है। तो इसे आप जाके पढ़ सकते हो। गाइज आपको यहाँ पे जो रेफरल कोड इस्तेमाल करना है जब ज्वाइनिंग टाइम पे, देखो न्यू इंडियन एरा कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस इस्तेमाल कर लेना और अच्छे से ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की तरफ। सो हेलो एवरीवन गाइस, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, एंड इसके बाद चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो इन दोनों चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।
और कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मतलब क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है पहले ही, डायग्राम कौन से आ सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। यार दो ही चैप्टर उठा पाऊंगा पहली बार में, बिकॉज आपको पता ही फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अच्छी बात नहीं है। छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अभी देखो पहले का पार्ट यहाँ पे जो कट है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए रहेगी तो आप बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर टेलीग्राम आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक है, बाकी सब तो रिड्यूस ही हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक में यहाँ पर से कोई भी और डायग्राम आपको नहीं पढ़नी है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ पे आ जाओ। देखो अभी इसमें से हम लोग देखते हैं, पहला टीएस ऑफ एंथर और दूसरा है डेहिस्ड एंथर। अब देखो यार मैं आपको बता दूं, 2017 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था और 2016 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था। मतलब आपको लगता हो कि आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो रिड्यूस मतलब ओल्ड सिलेबस था, तो हमको उसके क्वेश्चन करने चाहिए नहीं करने चाहिए। यार दुनिया में साइंस एक ही है, और अगर एंथर के बारे में कोई पढ़ाएगा तो एंथर दुनिया में एक ही टाइप का होता है, मतलब एंथर एक ही है, टाइप तो बहुत सारे देंगे, एंथर एक ही है जो कि फ्लावर में होता है। तो क्या एंथर का कॉन्सेप्ट जो पुराने सिलेबस में वो चेंज होगा क्या जो तुम्हारे में है? ऐसा कुछ नहीं होता है, सेम चीजें ही रहती है। किताबों के दिखने का तरीका बदल जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ये लिखने का तरीके बदल जाते हैं, टॉपिक इधर उधर होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है, क्वेश्चन सेम आते हैं। इसलिए कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ो, फायदे में रहोगी, ठीक है। तो ये और टीचर भी तो वही पेपर सेट करेंगे ना, क्या टीचर गायब हो गए क्या पुराने वाले? अभी नए टीचर आए क्या? ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में टीचर वही है। तो ये दोनों क्वेश्चन में 3 मार्क्स को आता है, ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके अंदर के जो सेगमेंट्स है यहाँ पे जो छोटे छोटे, इनमें आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, और जो यहाँ पे ये किस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स है अंदर, ये छोटा छोटा एक बार प्रैक्टिस करोगे बुक में, प्लेन पेपर उठा लो मस्त, और प्लेन वाली बुक आती है ना जिसमें लाइन नहीं होती, वो वाली पेपर उठा लो मस्त, और उसमें करना शुरू कर दो। फिर यहाँ से ये मत करो ये नहीं आता है कभी भी, हाँ इंपॉर्टेंट है तो ये वाली चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाट्रोपस ऑव्यूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको करके जाना, मतलब 2 मार्क्स को ये पक्का पूछेगा एग्जाम में, मतलब पक्का पूछेगा, मीन्स अगर टीचर ने दिया तो इसको भी दे सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या हमें ये सारी लेबलिंग याद करनी पड़ेगी? नहीं, आपको मैक्सिमम 6 लेबल्स याद करने हैं, मैक्सिमम 6 याद रखो, जिससे कि अगर 2 भूल भी गए तो 4 तो याद रहेंगे, ठीक है, इतना तुम्हें समझ के रखनी है। तो मैक्सिमम 6 याद रखो, इन लेवल्स को याद रखो, जैसे माइक्रोपाइल है, न्यूक्लियस न्यूसेलस है, और फेनिकल्स है, इम्ब्रायोस है, ऐसे कुछ याद कर लो, दैट्स इट। मतलब अगर हो सके तो सारे याद कर लो, क्योंकि समझोगे तो याद रहेगा। अभी ये चलाजा है, फिर एंटीपोडल्स है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, न्यूसेलस, माइक्रोफाइल्स, इसे कुछ एग वगैरह सब याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। फिर आ जाओ साइकिल पे। यार ये क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह आएगा, आपको ये MCQ के फॉर्म में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से आपको MST CT में भी क्वेश्चन बन जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली ये साइकिल पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो मतलब कुछ भी आ सकता है, ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा, और 3 नंबर के लिए बोर्ड में बनेगा। तो इसको छोड़ के मत जाना, शुरुआत यहाँ से करोगे यहाँ पे खत्म करोगे, इस तरीके से पूरा डायग्राम बनाना है। अब देखो जो यहाँ पे ये एरो ये डार्क करके रखा ना, ये वाला ये मत बनाओ, चलेगा, सिर्फ ये स्टेजेस दिखा दो और उनकी नेमिंग लेबलिंग, मियोसिस माइटोसिस कहाँ हो रहा है ये लिख के दिखा दो, आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे फॉलो करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पहले ही कह रहा हूँ। आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ चलो बढ़ते जाओ, ये सब मत याद करो, पॉलिनेशन बाय विंड मेज अगर आता भी है तो। अभी देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा पॉलिनेशन बाय विंड, तो आप ये सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करोगे, डिस्क्राइब तो करना पड़ता है ना, तो सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करोगे, डायग्राम भी आपको बनानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाओगे तो फायदे में रहोगे, सिर्फ डायग्राम बनाने नहीं पूछेगा कि ड्रॉ दी नीट एंड लेबल डायग्राम, ऐसा नहीं पूछेगा। अगर ऐसा पूछेगा तो पॉलिनेशन बाय विंड इसको समझाओ, तो ये पूछ सकता है। ऐसे ही कि देखो यहाँ मेल एंड फीमेल प्लांट वेलिसनेरिया जो है, तो ये मतलब जो यहाँ पे प्लांट है, तो ये इसे पूछ सकता है। ये प्लांट डायरेक्टली आपको बनाने नहीं बोलेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, और बायोलॉजी तो मालूम है ना, बिना डायग्राम की बायोलॉजी अधूरी है। तो जब क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने के साथ साथ पॉइंट वाइज उसके आंसर ही बताने पड़ते हैं। तो ये कोई भी डायग्राम नहीं आएंगे, सब ऐसी डायग्राम है, ये सब आपको कभी बनाना भी नहीं है, और डिस्क्रिप्शन में आएगा बस, डायग्राम नहीं बनानी है आपको, ये कुछ नहीं बनाना है डायग्राम वगैरह, कुछ नहीं बनानी है यहाँ से। हाँ यहाँ पे आ जाओ, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। अभी अभी आपने इस डायग्राम को उधर भी मैंने बताया था ना, एनाट्रोपस ओव्यूल, तो वही है, ये सेम चीज है, आपने उसको सीख लिया तो इसको सीख लोगे अपने आप। आधी चीज तो आपको ऐसी, देखो ये सब वही नाम वहां पर भी थे यहाँ पर भी है, तो 2 बार पढ़ने का फायदा ही नहीं होगा, आपको एक ही बार पढ़ना पड़ेगा।
फिर बस आपको ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे पैरोगामी होती है, फिर उसका चलेजोगामी होती है, फिर मेसोगामी होती है। तीनों चीजें आपको समझानी पड़ेंगी, मतलब कि जब मतलब नीचे साइड से आएगा हमारा पॉलन ट्यूब, फिर या फिर मतलब पॉलन ग्रेन्स, और जब या फिर जब चलाजल एंड से आएगा, या तो फिर मेसोगामी यानी मिडल से आएगा, तो पॉलन ग्रेन के एंट्री होने के तरीके को यहाँ पे बात कर रहा है। तो तीनों तरीकों के आपको समझाना पड़ेगा, डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो डबल फर्टिलाइजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका सिग्निफिकेंस भी एग्जाम में याद रखना, मैंने चलो क्वेश्चन ही बता दिया, तो ये बहुत 2 मार्क्स का, तो इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, और ये 3 मार्क्स को ये डायग्राम यार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना यार, प्लीज कहता हूँ छोड़ के मत जाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के डायग्राम और उसकी सिग्निफिकेंस, मतलब बाबा रे बाबा, इस टॉपिक, इस चैप्टर से छोड़ना मत। ये आपको डायरेक्टली बनाने नहीं कहेगा कभी भी, आपको क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर जब डिस्क्राइब करोगे तो थोड़ा थोड़ा ये डायग्राम बना के समझा देना, क्वेश्चन में रहता है ना समझाना होता है क्वेश्चन में पॉइंट वाइज, तो समझा देना, बाकी ये कभी पूछता विछता नहीं है। हाँ, इस बार नए सिलेबस में ये टॉपिक है, पहले ये नहीं था। तो मेज सीड ऑफ मोनोकॉट या तो ये बोल सकते हैं बनाने को, और या तो फिर बीन सीड डायकॉट ये बोल सकते हैं बनाने को। इनकी लेबलिंग एपिकोटाइल, हाइपिकोटाइल, रेडिकल, स्कॉटलीडॉन, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, मालूम है ना, ये याद नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा आपका, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा, क्यों कह रहा हूं जानते हो, क्योंकि इनका ये क्वेश्चन सीधे एक्सरसाइज में भी दिया है, और यार जब एक्सरसाइज में दिया है तो क्वेश्चन तो आने के चांस पक्का बनते हैं। तो बाकी वो दोनों आपको याद कर लेना है, और बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे डायग्राम में, देखो आपको मैं एक्सरसाइज में दिखा देता हूँ, देखो दिस इज द एक्सरसाइज एंड ये तो आप करके जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ से ऐसे ये डायग्राम भी आपको करके जानी है, ऐसे ही जो भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डायग्राम आते हैं कि ड्रॉइंग नीट लेवल, तो वो डायग्राम भी छोड़ के मत जाना, वो डायग्राम भी एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों को समझ के रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मजेदार हंसी मजाक वाला चैप्टर है, मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ के। लेकिन ये सब गैमल तक रिड्यूस है, ये पूरा बडिंग सडिंग सब रिड्यूस है, आपको डायरेक्टली घुसना है ह्यूमन बींग्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यहाँ से शुरू करना, जैसे कि एम्फीमिक्सिस की डेफिनेशन डायरेक्टली यहीं से पूछ लेगा, तो ये सब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। अब आपको बताता हूँ कि कहाँ पर डायग्राम है आपकी, देखो यार ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने जल्दी नहीं बोलेगा, लेकिन ये TS ऑफ टेस्टिस आपको बोलेगा, मतलब समझ रहा है। ये क्यों ऐसा करो, क्योंकि 2017 में भी पूछा था, 2018 के पेपर भी उठाओ और देखो, दोनों में ये पूछा है फॉर 3 मार्क्स, तो TS ऑफ टेस्टिस हमेशा आता है, ठीक है। तो ये डायग्राम सेम पुराने सिलेबस में भी ये था, ऐसा थोड़ी कि नहीं था, सब रहता है, तो TS ऑफ टेस्टिस पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, टेस्टिस के LS ऑफ टेस्टिस और TS ऑफ टेस्टिस, मतलब ये दोनों याद रखो, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, आप बोलोगे बनाना तो टेस्टिस ही है लेकिन ये LS है और ये TS है, मैंने सब समझाया कैसे क्या क्या होता है। तो ये TS ऑफ टेस्टिस ये डायग्राम याद है, जब TS बोलेगा तो ये ट्रांसफर सेक्शन और ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, तो दोनों आपको समझा के रखना है अच्छे से, और दोनों डायग्राम आपको एग्जाम में समझानी है। तो LS बोलेगा तो ये, TS बोलेगा तो ये, ठीक है। आने के चांस ज़्यादा TS के हैं मेरे हिसाब से, बाकी तो कोई भी आ सकता है, वो तो भगवान जाने टीचर क्या करता है। हाँ, लेकिन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ ऐसे डायग्राम है जो 90% फिक्स होते कि आता ही आता है। अब जैसे कि ये देखो, अगर बहुत सिंपल पेपर बनाया यार, मालूम है ना, सिंपल पेपर भी बन सकता है, बहुत सिंपल पेपर बनाया, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम पूछ सकता है। फीमेल के आने के चांस मुझे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि हमेशा टीचर्स लोग फीमेल का डायग्राम ज़्यादा दे देते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। TS ओवरी, अब देखो TS ऑफ टेस्टिस वो मेल का बात थी, ये TS ऑफ ओवरी, ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी है। ये यार ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप ना ओवरी का पूरा फंक्शनलिटी भी अगर समझाते हो ना, डिस्क्रिप्टिव आंसर आता है तो भी आपको ये बनाना पड़ेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसा बोलेगा कि ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ TS ऑफ ओवरी तो ही आप ये बनाओगे, ऐसा नहीं है। अगर ओवरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता है ना, तो भी आपको ये डायग्राम बना के कॉर्टेक्स की तरह कॉर्पस एल्बिकस, तो जाके आपको कहीं अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 का 5 मार्क्स मिलेगा, समझ रहे हो ना, तब जाके आपको पूरा मार्क्स देता है। तो जब आप बायोलॉजी में कोई भी चीज को बिना डायग्राम के समझाते हो तो पहले ही समझ लो कि आप कम मार्क्स पाने वाले हो। 3 मार्क्स का डायग्राम है अगर मान लो, तो अगर 3 मार्क्स अगर मान लो कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर है और आपने छोटा सा भी डायग्राम बना के नहीं समझाया, तो फिर समझ लो कि आपकी कहानी नहीं है, डूब जाएगी, क्योंकि फिर आपको मार्क्स 2 ही मिलेंगे, 1 मार्क्स आपके फुकट के कट जाएंगे, भले आपने सारे सही पॉइंट लिखे, क्योंकि डायग्राम किसी किसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे कि ओवरी सोवरी समझाना है, टेस्टिस समझाना है, तो इन क्वेश्चन में डायग्राम अगर आपको आती तो बना दो, नहीं आती तो बात अलग है, बट बना दोगे तो मतलब मक्खन लगा रहे हो क्वेश्चन में, समझ जाओ। अब जब मक्खन लगता है तो कितना अच्छा रहता है समझता है ना, ठीक है ना। ग्राफियन फॉलिकल की बात करता हूँ, देखो ये एक है और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अगर ये आएगा तो 3 मार्क्स को ध्यान देना अच्छे से, क्वेश्चन के टॉपिक पे ध्यान देने का। ग्राफियन फॉलिकल ये है,
और आगे बढ़ते हो, ध्यान देना अच्छे से, ध्यान देना, आगे दिखाऊंगा मैं। ग्राफियन फॉलिकल बोले तो वो, चलो आ जाओ मेमोरी ग्लैंड में। यार ये पुराने सिलेबस में नहीं था, लेकिन हाँ इस सिलेबस में आ सकता है। दिस इज दी फीमेल्स मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, तो ये आ सकता है एग्जाम में, और आएगा तो 3 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा। सभी को इसको प्रिपेयर करना है, मतलब वही रिब्स, लंग्स, फैट, ये फैट है मालूम है ना, फैट रहता है, फिर ग्लैंड्स, लॉब्यूल्स, लैक्टिफेरस डक्ट, तो ये सब आपको समझाना है, मतलब बताना है जस्ट कि हाँ क्या क्या है, ठीक है। तो थोड़ा जैसे कि फैट बहुत आसान है, अब मेमोरी ग्लैंड है तो यहाँ पे फैट तो रहता ही है ना, अब आपको नहीं मालूम है क्या फैट रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी चीजें, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, लैक्टिफेरस साइनस, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ये समझानी है, मतलब डायग्राम बनानी है, ठीक है, इतना आपको समझ के रखनी है। तो एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स को, 3 मार्क्स को डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, करके जाना। आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं आने वाला। ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये सब स्टेजेस हैं, अगर समझाना है समझाओ, नहीं समझाना है मत समझाओ, एग्जाम में आएगा तो हाँ यहाँ आ जाओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2017 के पेपर में आ चुका है, 2017 के पेपर में आ चुका है यार, आ चुका है। और ये डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस इसे कहते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन, और ये डायग्राम आपको पक्का बनानी है। प्रिमोर्डियल सेल से शुरू होती है कहानी और स्पर्म में जाके खत्म होती है, ये पूरा आपको लाइन टू लाइन समझाना पड़ेगा। मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस समझाने बोलेगा ना अगर 4 to 5 मार्क्स, तो ये तभी भी आपको बनाना है। अगर अगर ऐसा ही बोल सकता है कि ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो फिर सिर्फ डायग्राम भी पूछ सकता है 4 to 3 मार्क्स, ठीक है। तो भी आपको ये बनाना है, मतलब इसी तरीके से सेम एग्जैक्टली कॉपी करके आ जाना है उधर। कलर पेन का इस्तेमाल नहीं करना, पेंसिल से आराम से बना के आओगे डायग्राम तो भी चलता है, ठीक है। तो डायग्राम भाई ये मतलब छोड़ के मत जाना यार प्लीज, जैसे कि वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन था, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, और वो जो मैंने ग्राफियन फॉलिकल बोला था वो, तो इनको प्लीज मत छोड़ना। और टीएस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आ जाओ इस ओनली स्पर्म, ये बिच्छू है, सांप है, सांप सांप के बच्चे को बना के आना, ठीक है। तो यार स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को ही भूल जाओगे क्या, तो ये हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, थोड़ा सा 4 लाइन याद कर लो, एक्रोसोम, न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल थोड़ा सा याद कर लो, और ये सांप जैसा कितना आसान स्ट्रक्चर है ना यार, कितना आसान स्ट्रक्चर है, मतलब बंदा कोई भी बना के आ जाएगा, तो ये एग्जाम में आता है। सिमिलरली फॉर ऊजेनेसिस ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यार इस चैप्टर से वो टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ ओवरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल, और ये स्पर्म और ओवरी का ये जो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है, ये दोनों, ये मतलब इनमें से 100% कह रहा हूं मैं, 99 भी नहीं कहूंगा, 100% कह रहा हूं आता ही आता है डायग्राम। चाहे तो आप प्रीवियस 5 साल के पेपर भी उठा के देख लो, टीचर मतलब डायग्राम नहीं देगा इस चैप्टर से, तो फिर कुछ चैप्टर से डायग्राम देगा यार, इंपॉर्टेंट तो यही डायग्राम है ना। अब आपके, अगर आप बोलोगे कि मुझे ये नहीं होता है, तो आपके डर से पेपर बनाना थोड़ी कोई छोड़ देगा, आप मत पढ़ो, आपके डर से पेपर बनाना कोई नहीं छोड़ने वाला है, एग्जाम में डायग्राम आएंगे, आपको करके जाना है, और मेहनत करोगे तो जरूर आएगा आपको भी। हाँ देखो इसको कह रहा था मैं, ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि एग और ओबम और ग्राफियन फॉलिकल, मैंने वहां पे आपको दिखाया था, तो वो ग्राफियन फॉलिकल था, याद रखना। कन्फ्यूजन बहुत होता है जब डायग्राम पेपर में बैठोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ये वाला पूछा है कि वो पूछा है, तो याद रखो ग्राफियन फॉलिकल उसका नाम था, और ये है हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग और ओबम, समझा अच्छे से। तो ये 2017 के पेपर में ये भी आया था, तब आया था तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जाके आप अभी भी देख लो। तो ये डायग्राम आपको बनाना था, हालांकि डायरेक्टली नहीं पूछा था इसको, उसने समझाने बोला था, मतलब मैचुरेशन फेज के बाद, तो उसके अंदर ये तो बना के दिखाना ही पड़ेगा। तो ऐसे होता है, मतलब डायग्राम में कुछ समझाने बोल देगा तो फिर आपको वो मतलब डायग्राम बनानी पड़ती है, मतलब अगर कुछ समझाने कह देगा ऐसे सारे स्टेप समझाने के बाद। अब देखो जैसे कि इतना सारा लिखा है ना यार, तो इतना सारा लिखा तो क्या आप सब समझाओगे क्या, इतना सारा लिखा तो सिर्फ आपको इसमें से 6 पॉइंट निकालने हैं किधर से, जैसे यहां से लेके ये पहला पॉइंट, फिर यहाँ से लेकर के आप लोग कहीं तक ले लो उठा दूसरा पॉइंट यहाँ तक, ठीक है, फिर ऐसे यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक ले लो तीसरा पॉइंट, फिर आप यहाँ से ले लो और आप उठा लो यहाँ तक चौथा पॉइंट, तो बस इतना लिख दो, बस इतना ही लिख के आना और डायग्राम बना दो फुल मार्क्स, समझ में आया क्या। तो ऐसे आपको करना होता है, तो दिस इज द अनफर्टिलाइज्ड एग और ओवम, तो अनफर्टिलाइज बोलेगा तो ऐसे ही बनाना, और वो ग्राफियन फॉलिकल मैंने बताया था उसको याद रखने के लिए, तो याद करके जाना प्लीज, बाकी ये करो चाहे मत करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस, चाहे वो प्लांट वाले में डबल फर्टिलाइजेशन रहे चाहे ह्यूमन बींग्स में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको जरूर करके जाओ, मतलब छोड़ के मत जाना। और बाकी तो आप ये क्लीवेज वाला ये आपको समझाने बोलेगा, ये डायग्राम ड्रॉ करने नहीं बोलेगा कि ड्रॉ दी नीट एंड लेवल प्रोसेस ऑफ क्लीवेज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला,
ये नहीं पूछेगा आपको डायरेक्टली ब्लास्टोमियर्स या फिर प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, ये डायग्राम मतलब ये टॉपिक डिस्क्राइब करने बोलेगा, और उसके अंदर जो ये डायग्राम्स हैं वो आपको बना के दिखाने पड़ेंगे। मतलब आप ऐसे थोड़ी कि बिना डायग्राम के समझा के आ जाओगे क्या, तब तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, लिख के आओगे तो भी टीचर मार्क्स नहीं देगा, ये मैं आपको पहले ही कह देता हूँ। तो अगर प्रोसेस ऑफ क्लीवेज बोला ना, तो आपको ये पूरा समझाना पड़ेगा विद डायग्राम, समझाना पड़ेगा, याद रखना अच्छे से, ठीक है। बिना डायग्राम के कोई चीज समझा के होती क्या कभी? नहीं ना, फिर दैट्स इट, सो सिंपल, यही टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे वीएस ऑफ लेट गैस्ट्रुला, तो आप समझ रहे हो ये टॉपिक को, नाम याद रखो। अगर वो एग्जाम में बोलेगा वीएस ऑफ लेस लेट गैस्ट्रुला, तो ये, और वहां पे अनफर्टिलाइज एग था, दिखते दोनों सेम सेम है लेकिन डिफरेंस बहुत है। अब यहाँ पे कलर है, तुम्हारे वहां पे कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते बोर्ड एग्जाम में, बट डायग्राम तो बना सकते हो। देखो यहाँ पे गैप दे देना ऐसे अगल बगल, कितना आसान स्ट्रक्चर है यार, मतलब वीएस ऑफ लेट गैस्ट्रुला। इसीलिए कहता हूँ कि जितने डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो एक प्लेन पेपर में ड्रॉ कर लो, जिस दिन एग्जाम होगा तो उस दिन आपको आसानी होगी, और आपके ड्रॉ करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वीएस ऑफ लेट गैस्ट्रुला भी इंपॉर्टेंट है, और अनफर्टिलाइज एग ओवम, और वो हमारा ग्राफेन फॉलिकल, ये तीनों दोनों डब्बे जैसे राउंड में बॉल जैसे दिखते हैं, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन होता है इनसे, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, बाकी याद करना है कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे होता है हमारा रियलिटी में ओवम, मतलब सोचो कितना प्यारा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी चलो आगे निकलते हैं, आगे निकलते हैं, ठीक है। ये आप प्लेसेंटा का पढ़ना है तो पढ़ लो, वैसे भी प्लेसेंटा कितना आसान है ना, इधर से एक वॉल बना देना और इधर एक बच्चा बना देना, खत्म कहानी। इधर एक वॉल और इधर एक बच्चा, थोड़े से विलाय विलाय प्लेसेंटा यूटरिन वॉल नाम याद कर लो, खत्म कहानी। तो एग्जाम में आने के चांसेस तो नहीं है, बट नया सिलेबस है ना, आ भी सकता है भाई, ये सब नहीं आएगा। पार्चुरेशन 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 मतलब भाई बेबी के बर्थ बाहर निकलना, और बाकी तो डायग्राम के मामले में बाकी कुछ नहीं, ये सब वैसेक्टॉमी का कॉपर टी का डायग्राम, देखो ये आ भी सकता है, तो बस आपको क्या करना है भाई, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना है, और यहाँ पे टी शेप की एक कॉपर की वायर होती है, उसको डाल के ऐसे दिखा देना है कि मतलब हाँ यस ये बनी, IUD जिसे जिसका नाम है, इसको आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना, दैट्स इट। देखो कुछ ऐसा इसके अंदर यहाँ रख देना है, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं आएगा, अगर आएगा भी वो तो। और यहाँ पे अगर आएगा तो ये कटा हुआ दिखा देना है, बस देखो मैं आपको यहाँ पे मार कर देता हूँ, देखो ये कटा हुआ, ये आपको कटा हुआ बस इतना ही दिखाना है यहाँ पे, बस वो कटा हुआ दिखा देना, बाकी तो सब ड्रॉ करना ही है, तो ड्रॉ करके थोड़ा सा कटा हुआ दिखा दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं, नथिंग, दिस इज द फीमेल वाला, दिस इज द मेल वाला, ठीक है। तो इतना आपको कटा हुआ दिखा देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं आएगा यहाँ से। आगे निकलते हैं, ये भी सब कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, दैट्स इट, चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ये टेबल थोड़ा देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन MCQ आ सकता है, और बाकी कुछ नहीं आएगा, बस इतने डायग्राम है, बाकी तो इंपॉर्टेंट MIQ मैंने आपको दे दिया है, कितना करूँ आप लिख लिया, बताओ जरा यार, बहुत मैंने कुछ कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ना आपको ये स्पम का मतलब डायग्राम यार फेमस है, स्पम दुनिया में, स्पम के बिना दुनिया ही नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर के बारे में हम बाद में देखेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दो चैप्टर के आपके दे दिए हैं, और इसको करके जाओ अच्छे से प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो ये एम्प्टी स्पेस बुक में रहती ना, यहीं पे पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लो छोटे से छोटा भी, ठीक है, तो आपको हो जाएगा बहुत ज़्यादा फायदा। तो मिलेंगे ऐसे अगले वाले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को सभी को शेयर कर देना, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।